अपन अपन तो इतना एडवांस लोग है। आज देखो बाबा रामदेव बैठ गए, अन्ना हजारे बैठ गए आंदोलन पे, मैंने बिल्कुल टेंशन नहीं लिया। आज देखो रामदेव बाबा बैठ कर चिल्ला रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैं राम रहीम कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे पड़ोस में एक रफीक रहता है। रफीक भाई आ गया मेरे पास, क्या अतुल भाई बाबा रामदेव और मेरी कट्टर दुश्मनी, गोली मार दूंगा इसको। अरे मैंने कहा क्या हो गया, अब रामदेव बाबा की और उसकी रफीक की कट्टर दुश्मनी क्यों है, बात का आनंद लेना और कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना। मेरे पूछा रफीक भाई क्या हो गया, क्या दुश्मनी ऐसी। अब रफीक भाई कहता है कि बाबा चिल्ला रहा है बैठ कर काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, एकदम काला। और आप विश्वास मानना मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है। वो है पत्नी। अब रामदेव बाबा चिल्ला रहा बैठते काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। अरे मैंने कहा क्या बात, तेरे बाप का ही राज चल रहा है, वापस लाओ। बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा के लाया, और तुम कह रहे हो कि वापस लाओ। यहाँ तक थी दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी को ही बात का आनंद आया। तो यहाँ से वहां तक सब लोग ताली बजाना। पहले तो बाबा चिल्लाते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। यहाँ तक थी दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी को ही बात का आनंद लेना। पहले बाबा चिल्लाते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। बाद में कहने लग गए कि इसको सार्वजनिक करो। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूँ राजनीति का। अरे आप विश्वास मानना मैं संचालन कर रहा हूँ आपके अपने बीच का हूँ, राम रहीम कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे को सुनने में आज बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल लोड मत लेना। आज ये समझो मैं इस मंच का 10 का नोट हूँ, है नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। और आप सब समझते हो 10 का नोट कैसा भी हो, फटा हो, टूटा हो, टेप लगाओ, चली जाता है। हमारे बाकी कवियों को ध्यान से सुनना, ये 1000 का नोट है नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। ये बड़े कवि हैं पार्थ नवीन, सुदीप भोला, इनको ध्यान से सुनना, ये 1000 का नोट है। और आप बुद्धिजीवी लोगों अच्छी तरह समझते हो 10 का नोट कैसा भी हो, फटा हो, टूटा हो, टेप लगाओ, चली जाता है। और मार्केट में जितने नकली नोट आए हैं, सब 1000-1000 के ही आए हैं। तो इसलिए मैं ये टेंशन नहीं लेता हूँ, लेकिन ये 1000 के नोट 2000 में चलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अरे अपन तो क्या मालवा के लोग हैं, आप आनंद लेना बात का। मालवा का आदमी एक्स्ट्रा एडवांस। शिवराज सिंह जी ने आदेश निकाल दिया बेटी बचाओ अभियान, जिसके घर में 2 लड़की है सरकार 25,000 रुपए इनाम देगी। मेरा मित्र रहता है इंदौर में, उसने 1 लड़की पिंकी, उसको टेंशन हो गया कि अगर 2 होती तो 25,000 रुपए मिल जाते। उसने उसकी पत्नी से कहा तू बुरा नहीं माने तो एक बात कहूँ तो, क्या कि आज से 5 साल पहले देवास में मेरे से गलती हो गई थी। अब तू अगर कहे तो मैं उस गलती को लिया हूं। तो एक तो अपनी पिंकी और एक वो गलती हो गई, जो 25,000 रुपए मिल जाएंगे। भारतीय महिला थी, 1 घंटे तक छाती माते कूटे, उसके बाद में उसको समझ में आया कि इन्होंने गलती की, मान ली तो कहा जाओ लिया। मेरे मित्र ने गाड़ी स्टार्ट की, देवास गया, गलती को निलाया धुलाया लेकर, और पत्नी से बोला कि देख मैं इसको ले आया हूँ, अब एक तो अपनी पिंकी और एक ये गलती हो गई, तो किसी का बाप अपने को 25,000 रुपए लेने से नहीं रोक सकता है, तू बुला पिंकी को। उसकी पत्नी बोली कि उसको तो ले गए। क्या कौन ले गए, तो क्या जिसकी गलती थी देवास वाले ले गए उसको। आप ताली वाली बजाते रहना, ये सब ताली से चलने वाले खिलौने हैं। आइए मैं पहला कवि आपके बीच में खड़ा करता हूँ। और अच्छा अपन तो क्या इतने एडवांस लोग हैं कि अपन गलतियों में खुशी ढूंढते नहीं है,
अपन तो इतने एडवांस लोग हैं कि न सुधरते हैं न सुधरने देते हैं। नहीं नहीं सही कह रहा हूँ मैं, मालवा में भी गांव के लोग एक्स्ट्रा एडवांस, हमारे गौरव तिवारी को देखो एक्स्ट्रा एडवांस आदमी, इनने एक तोता पाल लिया, सब तोती पालते, इन्होंने तोता पाला। एक गौरव के घर एक महिला को इन्होंने तोते से पूछा कि बता तोते इस महिला के बारे में तेरे क्या विचार है, और तोता भी गौरव तिवारी का, वो भी एक्स्ट्रा एडवांस और राव का। एक गौरव ने पूछा कि बता इस महिला के बारे में तेरे क्या विचार है, तोता बोला गौरव को भी कमाल है पर ये औरत एक नंबर का माल है। गौरव का दिमाग खराब, घर आए मेहमान की बेइज्जती, इन्होंने पानी की बाल्टी मंगाई, तोते को पकड़ा और डुबो दिया पानी में, डुबोया निकाला, तोता मरने जैसा हो गया। इन्होंने पूछा कब ऐसी गलती करेगा, तो नहीं करूंगा, तो पक्का छोड़ दिया। 10 दिन बाद वही महिला वापस आई, फिर गौरव ने पूछा बता तोते इस महिला के बारे में तेरे क्या विचार है, तोता बोला कि भद्र महिला है, सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, इसकी जैसी कोई सती सावित्री नहीं है। गौरव खुश, लेकिन अब की बार महिला ने तोते से पूछ लिया कि बता तोते मेरे घर में एक आदमी आए तो, तोता बोला कि आपका पति, कि दो आदमी आए तो कि एक आपका पति एक आपका पिता, तीन आदमी आए तो कि एक आपका पति एक आपका पिता एक आपका भाई। फिर महिला बोली मान लो तोते मेरे घर में चार आदमी आए तो, तोता बोला गौरव भाई वो पानी की बाल्टी लेके आ रही है, औरत मेरा मुंह खुलवाने पर तुली हुई है।